Hi everyone, I'm Priyanka. We'll be continuing the same unit of microwave spectroscopy. Let us see what we are going to discuss today. So today we'll be discussing the numericals on what we have discussed in the previous lecture, and the new topic, that is the effect of isotopic substitution on the transition frequencies. Okay, so before moving to this, let us revise whatever we have discussed. So last lecture mein humne discuss kiya tha non-rigid rotor. है ना, एक डायटमिक मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रोटर की तरह कैसे बिहेव करता है और उसके सिलेक्शन रूल्स क्या थे. सो हमने देखा था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो व्हाइल रोटेशन, दैट वाज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, राइट. बट इन एक्चुअल एस्टिमेशंस हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ जो है वो रोटेशन का बॉन्ड लेंथ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो होता है, और क्योंकि बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट होता है इसीलिए देयर इज द चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, राइट. सो वी हैव सीन द इक्वेशन फॉर द एनर्जी at the J energy level, that is h square upon 8 pi square I j j plus 1. This was the same as that of a rigid rotor, but this new term was introduced which we named it as D, that is the centrifugal distortion constant, right, where B was the rotational constant. So now this equation turns out to be epsilon j is equals to B j j plus 1 minus of D j square j plus 1 whole square, right. Phir humne dekha tha ki D aur B mein there was a relationship. So D, this is equals to 4b cube upon omega square, right, where omega was here, omega was the nothing but the vibrational frequency, right. Then we have seen the about the intensities, that is the V bar J, this is equals to 2b j plus 1 minus of 4d j plus 1 cube centimeter inverse, right. यहाँ पे हमने देखा था that as the value of d की जो values हैं, right, उस पर से हमने कुछ inferences निकाले थे, that we have seen as the in the rigid rotor जो intensity है या फिर जो दो lines के बीच में का जो gap था वो constant रहता था, but यहाँ पे as the value of d जो है this will change, और j plus 1 whole cube जो है इसका value जैसे जैसे change होगा वैसे वैसे ही जो spacing है lines की वो कम होगी as the intensity will increase, right. ये हमने एक point यहाँ पे देखा था. Then we have discussed about the selection rules for the rotational spectra. So rotational spectra का जो selection रूल है दैट वॉज सेम फॉर द रिजिड रोटर ऑल्सो एंड फॉर द नॉन रिजिड रोटर एज वेल, दैट इज नथिंग बट डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो न्यूमेरिकल्स में हम फर्स्ट वन देखेंगे, कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग द मीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2.30 एमस्ट्रॉन्ग. ठीक है, मीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये क्या बता रहा है हमको, आर बता रहा है, दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ. नाउ एटॉमिक मास इज गिवन है, क्लोरीन इट इज 35 × 10⁻³ केजी मोल इनवर्स एंड सोडियम इज 23 × 10⁻³ केजी पर मोल. सो लेट अस सी, ठीक है, वॉट इज इट आस्किंग अस टू कैलकुलेट, इट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास, राइट, एंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमको म्यू निकालना है और रिड्यूस मास एम निकालना है. सो वी नो दैट रिड्यूस मास दिस इज गिवन बाय, यस दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू एम वन, यस म्यू इज इक्वल्स टू एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. इसको हम क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर जो है उससे डिवाइड करेंगे, राइट. सो हियर वी हैव विल पुट द वैल्यूज ऑफ क्लोरीन एंड द सोडियम हियर, सो 35 × 10⁻³. ओके, सो दिस शुड बी -3, ओके, एंड 23 × 10⁻³ - 3, 35 द सेम थिंग, एंड देन यू हैव एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.024 × 10⁻²³ मोल इनवर्स, राइट. Now, when you solve this, you will get the value that is 2.304 × 10⁻²⁶. Okay, so this is what you have got as the reduced mass. Okay, now we have to calculate the moment of inertia. So, moment of inertia is nothing but the mu, right? So, we know the equation, that is I is equals to mu r square, right? So, we know mu, we have just calculated, and r is already given, that is
2.36 एमस्ट्रॉन्ग. ओके, सो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 2.36 इंटू 10^-10 मीटर्स, राइट. दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट द वैल्यू दैट इज आई इज इक्वल्स टू 12.83 इंटू 10^-46 केजी मीटर स्क्वायर. ओके, सो दो फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे याद करने हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिड्यूस्ड मास, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 upon m1 plus m2, एंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू शुड नो I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, राइट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HCl शोज अ सीरीज ऑफ लाइन्स सेपरेटेड बाय 20.6 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, सेपरेटेड बाय 20.6 सेंटीमीटर इनवर्स. मतलब क्या है, दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइन्स. स्पेसिंग इज नथिंग बट द 2b. इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द 2b. सो व्हाट आर दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगेन यू हैव टू कैलकुलेट म्यू एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज r. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट म्यू एंड r, और आपको दिया क्या है, यू द गिवन इज 2b. So now we know that 2b is equals to 20.6. We need b from here. So 20.6 divided by 2, that will come out to be 10.3 centimeter inverse. Usko meter mein karenge, so it will be 10 to the power 2. Okay. Now we know the equation b is equals to h upon 8 pi square ic. राइट, यहां से हमको क्या मिलेगा, वी कैन कैलकुलेट आई फ्रॉम हियर. आई इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो इसको रीअरेंज करेंगे, सो आई विल हैव आई इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी. एच पता है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, यू नो ऑल ऑफ देम. बी की वैल्यू यू ऑलरेडी नो, सो एच इज 6.626 इंटू 10^-34 एंड 8 इंटू पाई इज 3.14 होल स्क्वायर. बी का वैल्यू दिया है 10.3 इंटू 10^2 मीटर्स मीटर to the power minus 1, and we have the velocity of light c, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so when you calculate this, you will get the value of I is equals to 2.655 into 10 to the power minus 47 kg meter square, right. So yahan se humne moment of inertia nikal diya. Now we need to calculate what is the internuclear distance r. So we know moment of inertia se r nikal sakte hain, so I is equals to mu r square, राइट. बट यहाँ पे म्यू भी चाहिए हमको, राइट, एंड यू नो डोंट नो व्हाट इज म्यू, राइट. सो पहले हमको म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं. वी हैव आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट म्यू, दैट इज द रिड्यूस्ड मास. सो वी हैव द फॉर्मूला, अगेन द फॉर्मूला इज सेम, पुट द वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ द फ्लोरिन, राइट, एंड फाइंड आउट वॉट इज म्यू. सो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ म्यू टू कैलकुलेट आर. सो वी हैव आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.655 इंटू 10^-47, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, और म्यू की वैल्यू हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट की. सो वेन यू डिवाइड दिस, राइट, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 1.276 इंटू 10^-10 मीटर्स, राइट. सो यहाँ पे एक नया इक्वेशन जो है वो आया है इंटू पिक्चर, दैट इज दिस वन. बी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये भी आपको याद रखना है. एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट द लाइन्स आर सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय का मतलब इट इज नॉट बी, इट इज 2b, राइट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कंसिडर इट एज बी, है ना, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब आर आपको दिया है, दैट इज 1.13 एमस्ट्रॉन्ग. कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा आपको यहाँ पे निकालना है, ओमेगा बार ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन द फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल, राइट. सो फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल की जे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. द एटॉमिक मासेस आपको यहाँ पे दिया है, दैट इज कार्बन इज 1.99 इंटू 10^-26 एंड ऑक्सीजन इज 2.66 इंटू 10^-26 kg, राइट. सो सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है आर इज 1.13 एमस्ट्रॉन्ग, उसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, सो इट विल बी 10^-10 मीटर्स, राइट. अब हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस्ड मास, राइट. व्हाई, बिकॉज व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, राइट. यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, सो डेफिनेटली म्यू हमको यहाँ पे लगेगा. सो द रिड्यूस्ड मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है. सो आपको ये वैल्यूज दी हैं, ये वाले फॉर्मूले में आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो यू विल गेट द म्यू इज इक्वल्स टू 1.14 इंटू 10 टू पावर -26 केजी. ओके ओके. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. सो लेट अस कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर. म्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, आर हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. आई इज इक्वल्स टू 1.14 इंटू 10 टू पावर -26 इंटू 1.13 इंटू 10 टू पावर -10 का होल स्क्वायर. दिस आई विल कम आउट टू बी 1.46 इंटू 10 टू पावर -46 केजी मीटर स्क्वायर, राइट. नाउ वॉट डू वी वॉन्ट? वी नीड टू कैलकुलेट दी एनर्जी, राइट. सो एनर्जी के फॉर्मूले में वील रिक्वायर दी आई, इसीलिए हमने आई जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है. ओके. सो नाउ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड डायटमिक मॉलिक्यूल, दिस इज गिवन बाय, वी नो दैट ई जे इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1, राइट. सो आई हमने कैलकुलेट किया, बाकी सारी कॉन्स्टेंट्स हमको पता है. नाउ What is it saying? For the first excited rotational level. So first excited के लिए क्या है? J is equals to 1. So now we'll put the values here. So we will now have EJ is equals to H square 1 plus 1 upon 8 pi square I. So 1 plus 1 is nothing but that will be 2 and 2 ones will be 2. Right? So यहाँ आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 2, इसको आप कैंसिल करोगे सो दिस विल कम आउट टू बी 4. सो हेंस यू विल हियर हैव एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई. अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. सो एच इज 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. पाई की वैल्यू यू कैन पुट 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आई वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस वन. That is 1.46 into 10 to the power -46. So here comes 1.46 into 10 to the power -46. Isko aap solve karenge. So you will get the value that is 7.61 into 10 to the power -23 joules. Right? So now we need to find out the energy in joules also. एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल्सो. सो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू नो, वी शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन दी जूल्स एंड दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके. सो नाउ हियर वी नो दैट वन इक्विवेलेंट वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स, राइट. सो हेंस यू कैन डू इट. ओके. सो एनर्जी इन ओके. सो हियर वी हैव एनर्जी इन जूल्स, ऑलरेडी हमको पता है. सो यू विल जस्ट राइट एन इक्वेशन ओवर हियर, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्वेश्चन मार्क, एंड यू विल पुट इट ओवर हियर. सो यू विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट. ओके. सो यू विल हैव 7.61 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 अपॉन 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 joule equivalent inverse. This will be equals to, if you solve it, you will get the energy in the four energy that will be equals to 4.76 into 10 to the power -4. So here it should not be EJ, here it should be EI. Okay, or let me just write it. So it should be here EI is equals to 7.61 into 10 to the power -23. That comes out to be 4.76 into 10 raised to power -4 electron volts, right. Now we need to calculate the omega, right, that is the angular velocity, right. So now for this we have an equation, that is EJ is equals to half I omega square, right. So here you can, to calculate the omega, you can just rearrange this equation, that is omega is equals to under root of 2 times of EJ upon I. Okay, so we know what is the value of EJ, we know what is the value of I, so just put it. So 2 into 7.61 into 10 to the power -23 upon 1.46 into 10 to the power -46, right?
and the unit will be radians per second. So if you calculate this, you will get 3.23 into 10 raised to power 11 radians per second. ओके सो यहाँ पे आप देखें आपको कौन से फॉर्मूलेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. सो द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हियर आर म्यू इज इक्वल्स टू रिड्यूस मास वाला इक्वेशन, देन यू शुड नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला इक्वेशन, देन यू शुड नो एनर्जी, राइट, यू शुड नो द कन्वर्जन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल्स और वाइस वर्सा. Okay, and then one more thing you should know, that is the relationship between or the equation of energy in terms of the angular velocity. Okay, now let us move to the next problem. So here we have the pure rotational spectrum of gaseous hydrogen chloride consists of a series of equally spaced, again it is 2B, that is 20.80 centimeter inverse. Calculate the intermolecular distance, that is nothing but the R of the molecule. Yani ki yahan pe aapko ek hi kaam hai, aapko R nikalna hai. ठीक है, reduced masses आपको दिया है. So reduced masses दिया है तो mu निकालना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको b दिया है, सो I निकाल सकते हैं. वी नो दैट I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर. इस इक्वेशन से हम R निकाल सकते हैं. सो स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइन्स इज 2b इज इक्वल्स टू 20.80, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 10.40 सेंटीमीटर इनवर्स. पुटिंग दिस इन द इक्वेशन, दैट इज b इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC. थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, I इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर BC. Now, putting all the values here, all the constants and the value of B, that is 10.40, you will get the value of I. So, moment of inertia mil gaya, I is equals to 0.2689 into 10 raised to power minus 4. Okay. So, now you already have got I. So, we know that the equation is I is equals to mu R square. So, R nikalna hai humko. So, abhi mu calculate karna padega. So, mu is equals to M1M2 upon M1 plus M2 into 1 upon N, right? The molecule is what? HCl, right? And the values are given. 58.06 into 10 raised to power minus 27 kg. And hydrogen is 1.673. Yehi wali values hum put karenge yahan pe. And then we will calculate it. So you will get 1.1626 into 10 raised to power minus 27 kg. Now, mu bhi mil gaya, right? Now we know the equation, I is equals to mu r square, r is equals to under root of I upon mu. Putting the values of I and that of mu, you will get the value, that is 1.29 into 10 to the power minus 10 meters, that is nothing but 129 picometer, okay? Or 1.29 angstrom, okay? Jis bhi unit mein aapko puchhe, aap bata dena. मेरे कैलकुलेटेड वैल्यूज और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज में स्लाइटली देयर कैन बी अ डिफरेंस, सो डोंट माइंड इट टू मच. बट हाँ, अगर बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज आई तो डेफिनेटली आप मुझसे कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं. अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज. सो नाउ हियर इम्पॉर्टेंट इज आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन. मतलब क्या करेंगे आप, आपके पास अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HCl, सो हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर क्लोरीन का कोई आइसोटोप आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. आई होप यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द आइसोटोप्स. सो आइसोटोप्स आर दी एटम्स विच हैव दी डिफरेंट मास नंबर्स, राइट, एंड दे हैव द सेम एटोमिक नंबर्स. ओके, fine. So now let us see here, when a particular atom in a molecule is replaced by its isotope, the resulting substance is identical chemically with the original except for its atomic masses. है ना, जब भी आप किसी भी एक मॉलिक्यूल में किसी एटम को उसके आइसोटोप से अगर चेंज करेंगे, सो वो एटम जो है वो केमिकली तो नहीं बदलता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है वो चेंज होगा. सो व्हाट विल हैपन, द एटॉमिक मास विल चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास H1Cl35 है और H3Cl35 है, सो एटॉमिक मास ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स विल बी चेंजिंग. Right? Now, it is generally assumed that the bond length does not change on the isotopic substitution. Right? ऐसा assume किया जाता है कि bond length जो है वो change नहीं होता. But, what happens? The total mass जो है वो changes. Right? But, however, there is change in the total mass and hence, there is change in the moment of inertia. Right? Why?
मास के बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बदल गया? अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, राइट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर. तो अगर म्यू बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा, राइट? इवन दो द बॉन्ड लेंथ दैट इज आर इज नॉट चेंजिंग, बट बिकॉज द टोटल मास इज चेंजिंग, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, एंड सिंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, द रोटेशनल कॉन्स्टेंट बी विल ऑल्सो चेंज, है ना? इसका भी फॉर्मूला हमने अभी देखा. वॉट वी हैव सीन? वी हैव सीन दैट बी वॉज इक्वल्स टू, we have seen that b is equals to h square upon 8 pi square ic. 8 pi square ic मतलब rotational constant जो है वो किस पे depend करेगा? I पे depend करेगा. I जो है वो mu पे depend करेगा और mu जो है वो masses पे depend करेगा, right? So जब भी आप isotope बदल देते हैं तब rotational constant b भी change होगा और moment of inertia जो है वो भी बदल जाएगा. ओके, सारी बातों को लिंक करके याद रखें तो आसानी होती है याद रखने में. नाउ द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डज नॉट अल्टर वुड बी ट्रू ओनली फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्फिग्यूरेशन, सिंस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द न्यूक्लियर चार्जेस एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियर मासेस. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आर जो चेंज नहीं हो रहा है, राइट, ये हम सिर्फ तभी सही मान सकते हैं जब आपके ट्रांजिशंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम कॉन्फिग्यूरेशन पे होंगे. Only then when your molecule is at equilibrium. क्यों ऐसा होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे electronic energy जो है ये सिर्फ nuclear charges पे depend करती है और उसके masses पे depend नहीं करती. लेकिन the molecule has zero point energy also, है ना? Molecule जो है उसके zero point energy भी है. कैसे zero point energy है? We have seen in the diatomic molecule as a rigid rotor, वहाँ पे हमने देखा था equation that is epsilon j is equals to बी जे जे प्लस वन, राइट? सो यहाँ पे अगर आप j की वैल्यू जीरो लेते हैं सो जीरो प्लस वन विल बिकम वन, वन इंटू जीरो विल बिकम जीरो एंड एवरीथिंग विल बिकम जीरो. यानी कि व्हेन j इज इक्वल्स टू वन द एनर्जी विल बी जीरो. उसी को हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट? सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? द मॉलिक्यूल हैज जीरो पॉइंट एनर्जी एंड दिस चेंजेस टू कंडीशंस सिंस द वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड वेरीज विद द आइसोटोपिक मास. सो द चेंजेस इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मेजर्ड आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दैट इज द जीरो पॉइंट वाइब्रेशंस. तो यहाँ पे हम जो वाइब्रेशंस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हम मेजर करते हैं वो यूजुअली जीरो पॉइंट वाइब्रेशन पे हम यहाँ पे करते हैं, राइट? दस द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट स्पेक्ट्रा, है ना? इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हमको डिफरेंट स्पेक्ट्रा जो है वो मिलेगा. सिंस द मासेस ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट, हैंस उनके रिड्यूस मासेस भी डिफरेंट रहेंगे. क्योंकि उनके रिड्यूस मासेस डिफरेंट रहेंगे इसलिए वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे वो भी डिफरेंट होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करेंगे वो भी डिफरेंट होगा, राइट? नाउ फोर्स कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स मेनली आर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट. सो फोर्स कॉन्स्टेंट को यहाँ पे It doesn't change. The vibration frequency of lighter species will be larger. ये एक important point है, है ना? जिसका mass जितना कम होगा वो उतना ज्यादा vibrate करेगा, right? Therefore, the vibration frequency of lighter species will be larger than that of the heavier one. So, जो heavy रहेंगे वो कम frequency पे vibrate करेंगे. As a consequences, what will happen? Two species will give two superimposed bands, है ना, विथ देयर ओरिजिन स्लाइटली शिफ्टेड फ्रॉम वन अनदर एंड द लाइन्स इन द फाइन स्ट्रक्चर अपियर एज डबलेट, है ना? क्या होगा यहाँ पे? अभी आपके पास एक ही मॉलिक्यूल दो आइसोटोप्स के फॉर्म में है. एक आइसोटोप लाइट रहेगा, दूसरा आइसोटोप हैवी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1, 2, 3. सो वन लाइट है, टू उससे हैवी है और थ्री उससे भी ज़्यादा हैवी है, राइट? सो वॉट विल हैपन, जिस मॉलिक्यूल का जिसका मास जो है वो कम रहेगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा और जो थोड़ा हैवी रहेगा वो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होगी तो आगे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी पे ही वो रोटेट होंगे, वाइब्रेट होंगे. इसीलिए हमको वहाँ पे दो पीक्स जो है वो मिलेगी और दोनों पीक्स जो है वो कैसी रहेगी, स्लाइटली सुपर इम्पोज रहेगी. और जैसे हम NMR में एक पीक के डबलेट देखते हैं, लाइक यू शुड गेट अ सिंगल पीक, ओके, बट हियर यू विल फाइंड अ डबलेट ऑफ इट,
Okay, so instead of getting a single line, you will get a doublet like this. Okay, such doublet have been established and isotopic shift in the lines are measured. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये मेजर करते हैं और उस डिफरेंस को हम कहेंगे आइसोटोपिक शिफ्ट. Now, for example, rotational spectrum of carbon monoxide shows the effect of isotopic substitution on passing from carbon 12, carbon 16 to carbon 12, oxygen 16 to carbon 13, oxygen 16. अभी आप देखेंगे carbon 12 वाला जो carbon monoxide molecule है वो वेट में कम रहेगा, उसका मास कम रहेगा और कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 वाले का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. सो देयर इज एन इंक्रीज इन द मास एंड हेंस डिक्रीज इन द बी वैल्यू. सो दैट इज बी जो है कार्बन 12 और कार्बन 16 का बी, दिस विल बी ग्रेटर एज दैट कंपेयर टू कार्बन 13 वाला. दिस चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द CO मॉलिक्यूल. Let us see how this happens. So now see, this is carbon 12 का spectrum and this is carbon 13 का spectrum. Now here you can see the spacing here and the spacing here, right? So if we see here, so the difference is 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, aise hamari spacings rahengi, right? So here you can see, dekho, starting mein they are overlapping, but then you can see there is a shift in the pink one and the blue one. राइट, सो यहाँ पे देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, ये वाली जो है ये हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है और ये वाली लोअर फ्रीक्वेंसी पे, पिंक वाले जो हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. राइट, सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये गैप जो है वो बढ़ता जाएगा. राइट, सो हियर यू कैन सी वॉट इज हैपनिंग, द वी आर गेटिंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रम फॉर फ्रॉम कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, एंड कार्बन 13 वाला कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या हो रहा है, मास जो है वहां पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. व्हाई, बिकॉज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आई एंड आई इज नथिंग बट दी आई. क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई इज रिलेटेड टू दी रिड्यूस्ड मास, है ना, सो दी एनर्जी लेवल्स ऑल्सो लोअर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ का जे इज इक्वल्स टू 6 ऊपर है और यहाँ का जे इज इक्वल्स टू 6 नीचे है, है ना. इसी को और अच्छे से देखते हैं कंपेयर करते हुए. सो नाउ हियर यू कैन सी वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, एंड हियर वी हैव देयर एनर्जीज 0C, 0, 2B, 6B, 12B, राइट, एंड सो ऑन. सो नाउ हियर यू कैन सी पहले तो 0, 0 बराबर हैं, बट देन यू कैन सी देर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन दी एनर्जी लेवल्स, है ना. So this is carbon 12 वाला carbon monoxide and this is carbon 13 वाला carbon monoxide. Okay, so in this way what is happening, because of the isotopic substitution हमको दो अलग अलग spectrum जो है वो मिल सकते हैं यहाँ पे. So this is all about today. I hope you understood what is the effect of isotopic substitution. Thank you.